तो हेलो गाइस स्वागत है हमारे चैनल में बी स्पोर्ट्स आज हम बात करेंगे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूज तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है न्यूजारा ईस्ट बंगाल को लेके ईस्ट so, बंगाल का जो ट्रेनिंग ग्राउंड होगा वो होगा नेवेलिम फुटबॉल ग्राउंड तो नेवेलिम फुटबॉल ग्राउंड एक काफी बढ़िया ट्रेनिंग ग्राउंड है जितना मुझे पता चला है एंड वहीं वही पे ट्रेनिंग करेंगे ईस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल बहुत ही जल्दी अपना प्री सीजन शुरू करना चाहते हैं मतलब जितना जल्दी हो सके वो अपना प्री सीजन शुरू करना चाहते हैं अब देखते हैं ईस्ट बंगाल अपना प्री सीजन कितना जल्दी शुरू करते हैं सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है केरला बशे तरफ से तो केरला बशे प्री सीजन शुरू कर लिया है एंड ये जो लिस्ट है यहाँ पे अब चाहे वीडियो

टैलेंटेड सेंटर फॉर के प्लेयर है इनका एज है ट्वेंटी एट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था इनका लास्ट सीजन एंड and... दोनों ही जो अटैकिंग प्लेयर है बहुत ही बढ़िया अटैकिंग प्लेयर है मुझे लगता है इनको मौका देना चाहिए क्योंकि इनका आई लीग का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था एंड डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि इस साल इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइडी सी का ओके तो नेक्स्ट चीज जरा है विकास युमनम को लेकर सो so, विकास युमनम फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन चुके जो कि गार्जियंस के टॉप सिक्सटी यंग फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड के लिस्ट में आए एंड ये बहुत ही एक बड़ा चीज है विकास युमनम एंड इंडियन फुटबॉल के लिए कि इंडियन फुटबॉल किस तरीके से भी डेवलप हो रहा है सो कांग्रेचुलेशंस टू विकास यमनाम सो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है ईस्ट बंगाल की तरफ से तो ईस्ट बंगाल ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया है एंथोनी पिलकिंगटन का एंड ये आयरिश मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि एंथोनी पिलकिंगटन का साइनिंग कंप्लीट हो चुका है एंड आई सी आयरिश मीडिया नहीं बोलूंगा इंग्लिश मीडिया ने भी कवर किया है कि एंथोनी पिल किंगटन ईस्ट बंगाल में आ चुके हैं एंड उन्होंने जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है सब एग्री कर चुके हैं एंटोनी पिल किंगटन ने तो so, डेफिनेटली ये साइनिंग काफी बढ़िया साइनिंग है ईस्ट बंगाल के लिए एंटोनी पिल किंगटन एक लेफ्ट विंग पोजीशन के प्लेयर है इनका एज है थर्टी टू इनका लास्ट क्लब था विगन एंड उससे पहले उन्होंने कार्डिफ नॉर्वेज एंड हर्डर्स में भी खेला सो so, डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है एंटोनी पिल किंगटन एंड ईस्ट बंगाल इस साल प्रीमियर लीग के बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ईस्ट बंगाल एक काफी स्ट्रॉन्ग टीम बना

जॉन John जॉनसन को एज एट फॉरेन प्लेयर साइन करवाएंगे टीम में एंड हर साल मोहन बगान एक ऑप्शन रखते हैं टीम में एंड इस साल जॉन John जॉनसन को एज ऑप्शन रखा जाएगा फॉरेन प्लेयर्स के कोटा में बट हा यहां पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि टीम में रजिस्टर सात फॉरेन प्लेयर्स ही हो सकते हैं साइनिंग अब दस बारह जितने भी फॉरन प्लेयर्स का करवा लो आप करवा सकते हो जितने भी फॉरन प्लेयर्स का साइनिंग बट हाँ टीम में आप साथ ही फॉरन प्लेयर्स को रजिस्टर करवा सकते हो लास्ट सीजन दाड़ी और वेदर को एज अ एट फॉरन प्लेयर रखा गया था ए में एंड इस साल ए टीके मोहनबांग में जॉन जॉनसन को रखा जाएगा एज अ एट फॉरन प्लेयर एंड उनका साइनिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है एंड बट ऑफिशियली अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि जॉन जॉनसन ही होंगे ए टी के मोहनबागन के एट फॉरन प्लेयर एंड जॉन जॉनसन जो कि सेंट्रल बैक पोजिशन के प्लेयर का एज थर्टी फर्स्ट इलेवन में उनको मौका मिलना बहुत ही ज़्यादा टफ है तो डेफिनेटली इनको एज अ ऑप्शन ही रखा जाएगा बट हाँ ऑप्शन रखने डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है अच्छा भी एटी के मोहन बगान के लिए और इस साल एटी के मोहन बगान एफ सी कप में खेलेंगे सो डेफिनेटली ऑप्शन होना जरूरी है कि अगर टीरी इंजर्ड हो जाते हैं तो जॉन जॉनसन है काल भी है बठा जौन जौन है जॉन जॉनसन एक प्रॉपर का सो डेफिनेटली ऑप्शन के लिए ही एटीके मोहन बगान ने जॉन जॉनसन का साइनिंग किया है सो ये काफी बढ़िया साइनिंग है एटी के मोहनबागान के तरफ से सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा यू आई एस एल को लेकर आई एल के फर्स्ट वीक में ही हो सकता है डरबी ईस्ट बंगाल वर्सेज बागान फर्स्ट वीक में ही हो सकता है आईएसएल के जो कि एक काफी बड़ा बात है अब ये बस एक र्यूमर है कि फर्स्ट वीक में ही होगा ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान का मैच अब यह कितना होगा या नहीं होगा वो तो आईएसएल के ऊपर डिपेंड करता है एंड जब तक फिक्सचर नहीं आता तब तक, तक हम लोग बता नहीं सकते बहुत लोग पूछे थे कि फिक्सचर का क्या हुआ तो एज बिकॉज ईस्ट बंगाल आई में ज्वाइन हुआ है इसी के वजह से फिक्सचर डिले हुआ है सो थोड़ा सा टाइम लगेगा आई को फिर से एक नया फिक्सचर बनाने में बट हाँ यह रिपोर्ट निकल के आया कि फर्स्ट वीक ऑफ आई में हो सकता है ईस्ट बंगाल मोहन बागान का डरबी आई के मैनेजमेंट भी सोच रहे कि क्या ये फर्स्ट वीक में हम लोग ईस्ट बंगाल वर्सेज मोहन बान का डरबी का ये जो मैच है वो रखे या नहीं सो देखते होता है तो नेक्स्ट है इंडियन फुटबॉल के ऊपर कुछ बोला है बहुत ही अच्छे कुछ चीज़ बोला है जुआन फरेंडो ने तो जुआन फेरेंडो ने बोला है कि इंडियन फुटबॉल इज टूअर्ड प्रोफेशनलिज्म मतलब इंडियन फुटबॉल धीरे धीरे प्रोफेशनल हो रहा है एंड आई के जितने भी प्लेयर्स है वो और भी ज्यादा अच्छे हो रहे हैं हर सीजन के साथ साथ एंड लीग का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है जो जिसके साथ मैं आ, एग्री हो रहा हूँ क्योंकि आई अगर हम लोग जो शुरू फर्स्ट सीजन देखे एंड सिक्स सीजन देखे बहुत ज़्यादा चेंजेस है फर्स्ट सीजन में बहुत सारे मार्की प्लेयर्स थे हर टीम में एक्चुअली मार्की प्लेयर था बट हाँ लास्ट सीजन सिर्फ आसम हो गया एकमात्र मार्की प्लेट थे आईएसएल में एंड इस सीजन वो भी नहीं होंगे जितना मुझे पता चला है इस साल नहीं खेलेंगे ओके जो, जो कि मैं बोलूंगा अच्छा क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्की प्लेयर्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उनका एज हो चुका होता है एंड वो 90 मिनट्स खेलने के लिए फिट नहीं होते सो डेफिनेटली आई में बहुत सारा चेंज आया है बहुत ही एक क्वालिटी लीग बन चुका है एंड इस सीज़न में क्या होगा वो सभी देखना बाकी है बट जिस तरीके से साइनिंग हुआ है डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा वेट है कि इस सीज़न आई का जो टोटल ओवरऑल कैसा आई में मैचेज होते हर टीम का परफॉर्मेंस कैसा होता है देखने लायक होगा तो नेक्स्ट वो इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल में आज है मैनचेस्टर सिटी तो मैनचेस्टर सिटी ने केविन डिब्रॉयर को एक पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया है और डेफिनेटली केविन डिब्रॉयर को मैनचेस्टर सिटी अपनी टीम में रखना चाहते केविन डिब्रॉनर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनचेस्टर सिटी का ओके सो डेफिनेटली इसी की वजह से मैनचेस्टर सिटी ने एक पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर किया के केविन डिब्रॉयर को एंड जितना रिपोर्ट्स की माने तो केविन डिब्रॉनर ऑलमोस्ट एग्रीड हो चुके हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देंगे एंड वो मैनचेस्टर सिटी में ही अपना करियर भी एंड करना चाहते हैं so सो डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी के लिए तो काफी बढ़िया बात है क्योंकि केविन हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैनचेस्टर सिटी में एंड उनका अगर का रहना अपने आप में काफी बड़ा बात है मैनचेस्टर सिटी के लिए so, नेक्स्ट आईपीएल को लेके सो so, आईपीएल में कल मैच था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब एंड सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत ही बढ़िया मैच खेला है ओवरऑल हर दिक्क से हम तो लोग देखें सनराइजर हैदराबाद के बॉलिंग में बहुत ही बढ़िया बॉलिंग के ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स ने एंड uh, एक दो को छोड़ के सबने ही अच्छा बॉलिंग किया है एंड किंग्स इलेवन पंजाब की बैटिंग में निकोलस पूरन को छोड़कर और किसी ने अच्छा बैटिंग नहीं किया दो सौ रन का टारगेट था बटा निकोलस पुरन को छोड़कर और किसी का बैटिंग थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा मुझे एंड अगर हम लोग सनराइजर्स हैदराबाद का बैटिंग का बात करें तो जॉनी वेस्ट एंड डेविड वार्नर ने कमाल का इनिंग्स खेला है एंड जब वो थे तब लग रहा था कि आराम से दो सौ पहुंच जाना चाहिए बट बटा मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स को छः नंबर में बैटिंग करने के लिए लाया गया जो कि एक्चुअली तीन या चार नंबर पे उनको लाना चाहिए था आ, बट ठीक है बट फिर भी फाइनली सनराइजर हैदराबाद ने काफी बढ़िया कम किया है आई में एंड उनका देखना पड़ेगा कि ये सीजन उनके लिए कैसे कंटिन्यू होता है एंड किंग्स इलेवन पंजाब का होके रवि बिश्नोई ने काफी बढ़िया बॉलिंग किया है एंड काफी इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए सो तो डेफिनेटली मैच काफी बढ़िया था एंड सनराइजर हैदराबाद एक डेफिनेटली डिजर्विंग विनर uh, थे इस मैच के तो so, जो आज का मैच है वो है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स एक काफी बढ़िया मैच होने का हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं क्योंकि आज का ये जो मैच है वो है, में एंड में राजस्थान रॉयल्स का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है एंड दिल्ली कैपिटल्स डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट टीम है अभी तक तो वैसा ही लग रहा है वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट टीम इन आईपीएल टिल नाउ एंड मतलब इस सीजन में एंड डेफिनेटली देखने लायक होगा कि ये मैच कौन जीतता है मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स से कपर हैंड रखते हैं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास डेफिनेटली एक काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है शारजा में खेलने का एंड उनका परफॉर्मेंस भी शारजा में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है बट हाँ दिल्ली कैपिटल्स के पास भी ऐसे ऐसे प्लेयर्स है जो कि बहुत बड़े बड़े हिट मार सकते हैं एंड मार्कस टोइनस जैसा परफॉर्म कर रहे हैं रिसेंट टाइम में डेफिनेटली मार्कस टोइनर्स के ऊपर नजर रहेगा इस मैच में वो कैसा परफॉर्म करते हैं तो मुझे लगता है ये मैच दिल्ली कैपिटल्स से एक अपर हैंड रखते हैं ये मैच दिल्ली कैपिटल्स जीतेगा आपको लगता है नीचे कमेंट करके बताना सो so, बस गाइस आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं मिलता आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय